अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग बिल्कुल अच्छे हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग बता दिया कीजिए और व्लॉग को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ और बार बार अभी भी कह रही हूँ। सो आज है ईद का फोर्थ डे और अभी जो है ईद के सेकेंड डे ही मम्मी पापा चले गए थे गाँव। सो अभी हम लोग यहाँ पर बोर हो रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा और मैं छत पे आई हूँ। यहाँ पर बुशरा भी कहीं गई किसी काम से और मैं छत पे हूँ यहाँ पर। मैं अभी कहीं जा नहीं सकती, जाना चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती क्योंकि पता है कि घर पर कोई नहीं है तो जा भी नहीं सकते। ऐसे मम्मी पापा के पीछे कुछ अच्छा भी नहीं लगता बाहर जाना। सो अभी मैं छत पे हूँ। छत का मौसम देखिए आप, मतलब अल्लाह इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि ये मौसम ऐसा है कि हम घूमें बाहर, क्योंकि सब कुछ यही होता है कि गर्मी से छुटकारा मिले, अच्छा मौसम हो, ठंड ठंड सी हो, घूमने जाए बाहर। ये मौसम इतना अच्छा क्यों है भाई, क्यों है इतना अच्छा मौसम? ये देखिए आप कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, मतलब जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, वो वाला मौसम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। देखिए यहाँ पर पक्षी भी जो है आसमान में कैसे, मतलब बिल्कुल धूप नहीं ज़रा से भी, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और मैं अपना काम वाम करके अभी बैठ गई हूँ, थोड़ा सा काम था मुझे ऑफिस का, संडे है क्योंकि IPL चल रहा है तो उसका काम करना पड़ता है, तो काम कम्प्लीट करके वीडियोज़ वगैरह शेयर करके अब मैं आ गई फ्री होकर छत पर। बहुत मज़ा आ रहा है और हम कुछ बाहर का भी नहीं खा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि रमज़ान में हमने इतना ऑयली, इतना घी तेल वाला खाया है ना कि हम लोग अब बाहर का कुछ खा भी नहीं सकते। और मैं तो बिल्कुल खा सके नहीं खाऊँ क्योंकि भैया अब बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ चुका है तो अपने वज़न को कम करना है तो फिर थोड़ा बहुत डाइट तो लेनी पड़ेगी। और वो डाइट कैसे होगी भाई, नहीं पता। आप क्या कर रहे हैं, किस किस का वज़न बढ़ा रमज़ान में? क्योंकि होता क्या है कि रमज़ान में पूरे दिन रोज़े जैसे रहते हैं और शाम को चटकारा सा मन करता है कि कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग सा खाए, कुछ ना कुछ तो अच्छा खाए। सो यही होता है और इसकी वजह से हमारा वज़न ना चाहते हुए बढ़ जाता है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने खूब अच्छे से एक्सरसाइज भी की, सब कुछ किया, लेकिन वही है ना फ्रेंड्स की खा ही लेते हैं। बाकी ठीक है, मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया है। कितना वज़न है मेरा एग्जैक्टली पता नहीं, बताऊँगी आपको, और वैसे भी आपको दिख ही जाता होगा ना मेरा कितना वज़न है। सो बस अभी छत पर है, मुश्ता कहीं बाहर गई है, अभी क्या कुछ करेंगे कैसा करेंगे, व्लॉग तो शुरू कर दिया, बाकी आगे क्या क्या होगा लेट्स सी, क्या क्या व्लॉग बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या होगा सब कुछ आपको दिखेगा व्लॉग में। सो अभी तो फ़िलहाल यही है अपडेट कि मैं छत पे हूँ और मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। और फ्रेंड्स देख लीजिए, ये व्लॉग भी आपको दिखाना था, यानी कि ये भी आपको बताना था कि हमने किचन अपना नीचे शिफ्ट कर लिया है अगेन, क्योंकि वो एक महीने के लिए रखा था, टेम्प्रेरी किचन था हमारे यहाँ पर, लेकिन मुझे बहुत सूना लग रहा है। यहाँ पर किचन था, कितना अच्छा लगता था पहले, और अब ये किचन जो है यहाँ से हमने हटाकर रख दिया है दोबारा से अपनी जगह नीचे, तो ये इस तरह से हो गया। देख लीजिए आप पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है। सुबह असल में हुआ ये कि एक महीने के लिए किचन यहाँ पे लेकर आए थे और एक महीने का माशाल्लाह इतना अच्छा दिन नवा रमज़ान निकले यहाँ पर, मतलब कि इस फ्लोर पर इतना सूना रहता था कि हम लोग सब नीचे रहते हैं इस फ्लोर पर, इस रमज़ान में पूरा टाइम इबादत हुई, किचन यहाँ पर था, खाना बना रमज़ान के लिए, इफ्तारी सहरी और सब चीज़ें, मतलब कि पूरा ये इतना लकी हो गया कि यहाँ पर हमने इबादत की, रमज़ान की तरावी पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, शबे कदर पर हम यहाँ रहे, पूरा एक महीना इस फ्लोर पर खूब इबादत हुई। अल्लाह का इतना रहम करम रहा कि यहाँ पर खूब अच्छे से हमने सब चीज़ें की। सो ये फ्लोर भी बहुत लकी हो गया ना क्योंकि यहाँ पर अल्लाह की इबादत की गई। तो बाकी अब किचन हम नीचे ले गए क्योंकि ले जाना था उसको नीचे, क्योंकि अब थर्ड फ्लोर पर तो ऊपर नहीं रह सकते परमानेंट, क्योंकि नीचे का रहता है हमारा सब आना जाना, वो सब चीज़ें, फिर पापा को आने में दिक्कत होती है, ऊपर अम्मी को नाने में को प्रॉब्लम होती है जीने चढ़ने में, बीच बीच में रमज़ान में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी उनको, तो वो चढ़ नहीं पाती थी जीने क्योंकि उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, फिर पापा का भी सांस फूलता है ऊपर चढ़ते हुआ, तो इसलिए हमने नीचे ही हमारा किचन है, नीचे हमारा शिफ्ट रहता है। तो फिलहाल अब हम जो है नीचे पहुँच गए दोबारा से। हेलो गाइस, आ चुकी है अम्मी और पापा आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कर रहे पापा नमरा को। क्या लाए, कहाँ गए थे, क्या खाया पापा? अलास हाँ अलास पापा। फ्रेंड्स यहाँ पर बन रही है एक और, कौन सी बिरयानी है? हाँ ये बन रही है असलम की बिरयानी, अकरम की बिरयानी बन रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। ये मैंने देखा, ये देखिए इन्होंने रेसिपी किस पे देख रही हो, लुबना किचन की रेसिपी ये चल रहा है यहाँ पे, लुबना किचन, और ये बन रही है अकरम की बिरयानी।
यहाँ पर अकरम की बिरयानी बना रही हूँ। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हमारी जो खीर है वो ख़राब हो चुकी है और हमने बस एक कटोरी खाई थी ईद वाले दिन। और फ्रेंड्स ये है वो खीर जो कि हमारी पूरी ख़राब हो चुकी है, और इससे जो एक पहले वाली थी वो हमने भिजवा दी पूरी, यानी कि एक पतीला भर की जो हमारी खीर है वो हमारा पूरा पतीला भर की जो खीर बनाई थी वो सारी की सारी ख़राब हो चुकी है फ्रेंड्स। हमारे मुँह हाथ बिल्कुल इतनी सी खेलने लगी है, सब ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे कि चार दिन बाद कल को खीर बनाएंगे दोबारा खाने के लिए, तो प्लीज़ नियत मत ललकाना कोई भी अपनी, ये हमारे लिए बनेगी। किसके लिए बनेगी? हमारे लिए। और हम आए फ्रेंड्स बैंक के काम से और अब हम खाना खाने लग रहे हैं क्योंकि हमें टाइम हो गया, कितना 1 बज चुका है, तो भूख भी लग गई है। हमने बैंक का काम तो हुआ नहीं हमारा, मतलब हो गया है, अब जो देखते क्या होता है आगे। फिलहाल हम खाना खाने के लिए आ गए हैं। क्या खाओगी? दाल मखनी। इनकी फेवरेट है दाल मखनी और मेरी फेवरेट है गोभी, तो मैं लेकिन दाल मखनी खा रही हूँ क्योंकि मेरे को दाल मखनी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, ये ढाबा देसी ढाबा। चलो अभी तो वैसे प्लेट्स आई हैं। और ये आ चुका है हमारा खाना, दाल मखनी रोटी। कैसी है? हो चुका है फ्रेंड्स हमारा खाना, मज़ा आ गया दाल मखनी रोटी में, अच्छी थी टेस्टी। कैसी लगी तुम्हें? वैसे तुम तो खा चुकी हो ना यहाँ पे पहले भी, तो तुम्हें इसलिए अच्छी लगी। पापा को पसंद है सब चीज़ें, पापा ही खाते हैं, हमने पूरा साफ कर दिया है ना। चले और फ्रेंड्स अब हम निकल गए हैं घर के लिए, और यहाँ रास्ते में मुझे दिख गई हैं ककड़ियाँ, वो भी ग्रीन ग्रीन बिल्कुल गर्मी में खाने वाली, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चलो बच्चों के लिए कुछ ले लेते, तो मैंने मम्मी से कहा कि ककड़ी ले ले, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए ककड़ी लेकर यहाँ पर। बन ठंड के तो दबे आ उठाओ उठाओ सब बच्चे उठाओ। इसी में तो भैया मैं नम्रा कह रही है ये वाला लो जिसमें तुम लोग कमाएगा इसमें बढ़ाएगा, ले मेरा व्लॉग नाम ले उठा के इसको। ये देखो भाई, ओ भाई कुछ ज्यादा बढ़ाए उसे मत ले मांगा, अब तो पिएगी तेरा से बड़ा नहीं। उठाओ 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 इतना बड़ा क्यों है ब्रो, उठा रहे फीलिंग इतना लगा रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया। कैसा है इतना वजन तो इसमें है भी नहीं, इतना वजन लास्ट में है, इतने बस के बाद में थोड़ा हाथ फ्रेंड्स गए थे कहाँ पर हम लोग गए थे नुमाइश में, मेला लगा हुआ है हमारे यहाँ पर कॉलोनी में ही, तो हालांकि ईद से लगा हुआ है वो, लेकिन हमारा प्लान अब हुआ जाने का, और हम गए सब लोग सारी लड़कियाँ लोग, और रास्ते में पता चला कि मेला आज नहीं लगा हुआ क्योंकि लड़ाई हो गई वहाँ पर, तो इसलिए वो पुलिस वालों ने बंद कर दिया है। बस गए और आए, ऐसे होता है हमारा जब भी हम कहीं जाने को सोचते हैं तो कुछ ना कुछ। चलो कोई बात नहीं, नहीं जा पाए, सभी लड़कियां बड़े मन से गई थी बेचारी ईशा फातिमा
राफिया, नम्रा, मैं, भरूषा, बुशरा, मेरा नहीं लगा। एक और और फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी छोटी, बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल विलेन जैसा लग रहा है तू। बोल दो रहा हूँ, गंडासा दो हाथ में। चल ये उठा ले, कर अब बोल डायलॉग। कितने आदमी थे ओ भाई, सच में बहुत बढ़िया। गाइस किसी को मुंह में ले गब्बर इज बैक, कांटेक्ट करो हमें। अनदर गब्बर, ओ भाग जा, तेरा मामा मारेगा बेटा जल्दी जाके, चुटिया वाला। छुट्टियाँ दिखा दी इसके ब्लॉग में, गेट बंद करिए बाहर से। फ्रेंड्स ये था हमारा ईद के 3-4 दिन बाद से अब तक का व्लॉग, और बीच बीच में व्लॉग बनाया, बीच बीच में नहीं भी बनाया, सुबह जैसा भी था आपके सामने है। आई होप कि आपको अच्छा लगा मेरा टूटा फूटा था व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, कुछ अच्छे से व्लॉग में। बाय बाय।